दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में पहले दिन आए रविंद्र जडेजा और अश्विन का तूफान। पहले दिन के खेल में वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों ने हथियार डाल दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वेस्ट इंडीज़ को पहले दिन बैकफुट पर ढकेल दिया है। तो दोस्तों पहले दिन के खेल का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट शुरुआत से ही दिखाते हैं। इस मुकाबले की टॉस की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस हार गए। वेस्ट इंडीज की कप्तान क्रिबेथवे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। वेस्ट इंडीज की तरफ से ओपनिंग करने उतरे कप्तान क्रिबेथवे और टी चंद्रपाल पारी की शुरुआत करने आए। ब्रेथवे और चंद्रपाल ने वेस्ट इंडीज की टीम को बहुत ही खराब शुरुआत दिलाई। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 30 रनों की साझेदारी हुई थी कि 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र चंद्र अश्विन ने टी चंद्रपाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। आर अश्विन ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। वेस्ट इंडीज को चंद्रपाल के रूप में बहुत बड़ा झटका लगा। चंद्रपाल ने 12 गेंदों में 44 रन की पारी खेली थी। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान में रहमान रिफर आते हैं। कप्तान ब्रेथवेट के साथ रहमान रिफर वेस्ट इंडीज के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। बिनिसार पार्क स्टेडियम में तेज गेंदबाजी को बहुत ही ज्यादा मदद मिल रही थी, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा ने स्पिन गेंदबाजी को बहुत ज्यादा करवाई। अश्विन के साथ दूसरी तरफ जडेजा को भी बॉलिंग के लिए लगा दिया। जडेजा और अश्विन ने मिलकर वेस्ट इंडीज की टीम पर पूरी तरह से दबाव बना दिया। दोनों छेड़ से स्पिन गेंदबाजी होने का फायदा अश्विन को भरपूर मिला। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आर अश्विन ने कप्तान क्रेग ब्रेथवेट को कैच आउट करवा दिया। कप्तान ब्रेथवेट ने 46 गेंदों में 20 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने 3 शानदार चौके अपने बल्ले से लगाए थे। अश्विन ने कप्तान ब्रेथवेट के रूप में वेस्ट इंडीज को दूसरा बहुत बड़ा झटका दे दिया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई थी। ब्रेथवेट के आउट होने के बाद वेस्ट इंडीज की तरफ से जर्मन ब्लैक वुड बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आते और पहले से सेट हो चुके रहमान रिफर के साथ वेस्ट इंडीज की पारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों रहमान रिफर भारतीय बॉलर की धारदार गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साधु ठाकुर रहमान रिफर को स्टंप के पीछे ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। रहमान रिफर ने मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। वेस्ट इंडीज को टीम को तीसरा झटका लगा। 45 रन के स्कोर पर वेस्ट इंडीज के 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए वेस्ट इंडीज की तरफ से एलिक अथनाजे आते हैं। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद वेस्ट इंडीज की पारी दबाव में आ गई थी, जिसके बाद जर्मन ब्लैक वुड और अथनाजे ने वेस्ट इंडीज की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 से अधिक रनों की साझेदारी हुई और देखते ही देखते अथनाजे ने 39 रन बनाकर अपने अशतक के करीब पहुंचने वाले थे। लेकिन इसी बीच दोस्तों 2800 ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने जर्मन ब्लैक वुड को अपना शिकार बना लिया। जडेजा ने ब्लैक वुड को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। जर्मन ब्लैक वुड ने 34 गेंदों में केवल 14 रन की पारी खेली, जिसमें मात्र 1 चौका लगाया था। ब्लैक वुड के आउट होने के बाद मैदान में जोशुआ दा सिल्वा बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और अथनाजे के साथ वेस्ट इंडीज की पारी को आगे बढ़ाते हैं।